प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। वहां मोदी हुदूद से हुई तबाही वाले इलाकों में ताज़ा हालात का जायजा लेंगे। सुबह 11 बजे पीएम दिल्ली से विशाखापट्टनम के लिए रवाना होंगे। वे राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और आला अधिकारियों के साथ बैठक कर तबाही की समीक्षा करेंगे। राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। इससे पहले कल दिल्ली में मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हुई तबाही और वहां चल रहे राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। अधिकारियों को कई ठोस निर्देश भी दिए। आंध्र प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक कल शाम 7 बजे तक विशाखापट्टनम में सबसे ज्यादा 15 मौतों की खबर थी, जबकि विजयनगरम में 5 और श्रीकाकुलम में 1 व्यक्ति की मौत हुई। वहीं ओडिशा में 3 लोगों की जान गई। कल ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जिंदगी पटरी पर लाने के लिए युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाने का आदेश दिया। पटनायक के साथ हुई बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि सबसे ज्यादा तबाही गजपति, कोरापुट, रायगढ़, नबरंगपुर और मलकानगिरी जिले में हुई है। हुदूद की तबाही के बाद से दोनों राज्यों में राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीमें जोर शोर से मदद में जुटी हैं। सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित इलाकों में संचार, सड़क, बिजली और दूसरी सुविधाओं को बहाल करना है। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र के 288 जबकि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इसकी तैयारी तकरीबन पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सीआरपीएफ के अलावा दूसरे राज्यों से भी पुलिस और कमांडो बुला लिए गए हैं। अकेले मुंबई में एसआरपीएफ की 12 कंपनियां और स्पेशल कमांडो फोर्स तैनात रहेगी। हरियाणा में भी मोदी लहर की परीक्षा होगी। राज्य में कल मतदान होना है। उससे 2 दिन पहले ही डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में भी ये समर्थन जारी रहेगा। हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की संख्या काफी ज्यादा है। दूसरी ओर खाप ने भी बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया है। ऐसे में दूसरी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोनों राज्यों में कल शाम 5 बजे तक प्रचार अभियान जोर शोर से चला। आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में 3 सभाएं की। पालघर में आयोजित रैली के दौरान मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्होंने राज चलाया। कभी हिसाब दिया क्या? जरा जवाब दीजिए ना, हिसाब दिया क्या? कभी अपने वादों का जवाब दिया? अपनी घोषणाओं का जवाब दिया? एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कल आखिरी मौके पर जमकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा, मोदी की सफलता में 50% योगदान कांग्रेस का है, क्योंकि लोगों के पास बेहतर विकल्प नहीं था। राज ठाकरे ने नसीहत दी कि राष्ट्रीय दल खुद को देश की राजनीति तक सीमित रखें। लगे हाथ गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन के बहाने मोदी पर भी हमला बोला। देखिए, किया था कि प्रधानमंत्री, बात मोदी की नहीं है, बात बीजेपी की है। मोदी जी के ऊपर क्या बात करनी है? देखिए, मुझे जो चीज अच्छी लगती है मैं उसकी तारीफ करूंगा, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती उसकी मैं बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगा। चुनाव आयोग ने राज ठाकरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उनके गैर मराठियों पर दिए बयान को लेकर है। आयोग ने उनके बयान को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उन्हें 15 अक्टूबर की सुबह 11 बजे तक जवाब देने को कहा है। कांग्रेस ने सांसद शशि थरूर को प्रवक्ता पद से हटा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के बाद थरूर से पार्टी नाराज थी। मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़ने पर भी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा के दौरान उनकी तारीफ की थी। प्रवक्ता पद से हटाए जाने के बाद थरूर ने सफाई देते हुए कहा कि पार्टी का फैसला मंजूर है और उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका पालन किया जाएगा। केंद्र सरकार एक नई योजना से मजदूरों के अच्छे दिन लाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को पंडित दीनदयाल श्रमदेव जयते नाम से एक कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसके तहत हर मजदूर को पैन कार्ड की तर्ज पर एक LIN कार्ड मिलेगा, जिसका मतलब है लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस पहल से
4 करोड़ कर्मचारियों में से 2 करोड़ को तत्काल फायदा होगा। इसके अलावा सरकार एक ऐसा कार्यक्रम भी शुरू करने जा रही है जिसमें नए कामगारों को ट्रेनिंग के साथ 3500 से लेकर 6500 रुपए तक मेहनताना दिया जाएगा। राजीव गांधी आवास योजना का नाम बदलकर सरदार पटेल के नाम पर किया जा रहा है। शहरी विकास मंत्रालय इसकी कवायद में जुट गया है। राजीव गांधी आवास योजना का मकसद झुग्गी बस्तियों का विकास करना है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर नीतीश कुमार का नाम अगले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में उछाला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही जेडीयू की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। हालांकि मांझी विवाद से बचने के लिए बोले कि विधानसभा चुनाव के बाद ही जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर इस मसले पर आखिरी फैसला करेंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर बीती रात गोलीबारी की। रात करीब 10 बजे के बाद पाकिस्तानी रेंजरों ने भारतीय पोस्ट पर हमला किया। 8 पोस्ट को निशाना बनाया गया। पुंछ के सौजियान, डोडा, बनवाद, हमीरपुर, शाहपुर, मंडी, बालकोट में देर तक गोलीबारी हुई। भारतीय जवानों ने डटकर नापाक मंसूबे का मुकाबला किया। इससे पहले सोमवार को दोपहर 3:30 बजे भी सीमा पार से सौजियान सब सेक्टर में फायरिंग की गई थी। मेरठ के खरखौदा लव जिहाद मामले में नया मोड़ आ गया है। कल पीड़ित लड़की ने लव जिहाद के आरोपों से यूटर्न लेते हुए 3 बड़े खुलासे किए। उसने कोर्ट में बयान दिया कि वो दूसरे धर्म के लड़के के साथ अपनी मर्जी से गई थी। कल पीड़ित ने महिला थाने पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया। उसने पुलिस को बताया कि रुपए के लिए उसके माता पिता ने ऐसा किया। आरोपों के मुताबिक जब रुपए मिलने बंद हो गए तो घर वालों ने उसके साथ मारपीट की। उन्होंने जान से मारने की साजिश तक रची। वहीं घर वालों का कहना है कि लड़की किसी के दबाव में ऐसा बोल रही है। दिल्ली के धौलाकुआं गैंगरेप केस में आज साकेत कोर्ट आरोपियों पर अपना फैसला सुना सकती है। इस मामले में 10 अक्टूबर को ही फैसला आना था, लेकिन उस दिन जज ने आज की तारीख तय की। इस मामले में 5 आरोपी हैं। 2010 में हुई इस वारदात में बीपीओ में काम करने वाली एक लड़की का अपहरण कर आरोपियों ने गैंगरेप किया था और सड़क पर फेंक कर फरार हो गए थे। इस मामले के बाद पुलिस ने दिल्ली एनसीआर के सभी कॉल सेंटर्स को महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का आदेश दिया था। एक बार फिर आम लोगों को राहत की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल 1 रुपए तक सस्ता हो सकता है। डीजल भी 1.5 से 2 रुपए लीटर तक सस्ता हो सकता है। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद इसका ऐलान हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है, इस वजह से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। नक्सलवाद पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्रालय ने नई नीति बनाई है। इसके तहत किसी नक्सली के सरेंडर करने पर उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले ये राशि 2.5 लाख थी। नीति में सुरक्षा के साथ साथ विकास पर भी जोर देने की बात कही गई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों की देखरेख खुद गृह मंत्रालय करेगा। 23 जिलों को सरकार मॉडल जिले के रूप में विकसित करेगी। रांची पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। 10 साल से पुलिस को उसकी तलाश थी। उसके पास से जिंदा कारतूस, 2 राइफल, हैंड ग्रेनेड और नक्सली पोस्टर भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार नक्सली पर हत्या और हथियार लूटने के दर्जन भर से अधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली में डेंगू तेजी से पांव पसारने लगा है। राजधानी में 38 नए मामले सामने आए हैं। उसके बाद कुल मामलों की संख्या 158 तक पहुंच गई है। अब तक एक मरीज की भी मौत हो चुकी है। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास आईटीबीपी के एक जवान से ऑटो में मारपीट और लूटपाट की घटना हुई। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से पीड़ित जवान गाजीपुर जा रहा था। उसी ऑटो में ड्राइवर के अलावा 4 लोग भी बैठे थे। रास्ते में उन सभी ने जवान से मारपीट की, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, बैग और दूसरे सामान भी छीन लिया। फिर अक्षरधाम मंदिर के पास उसे चलते ऑटो से नीचे फेंक कर फरार हो गए। पीड़ित ने मंडावली थाने में केस दर्ज कराया है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में एक युवक की लाश मिलने पर लोगों ने हंगामा किया। पुलिस से नाराज परिजनों ने थाने का घेराव किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। घर वालों ने आरोप लगाया कि उनके जवान बेटे की हत्या हुई है, जबकि पुलिस इसे सुसाइड मान रही है। रविवार को दरियागंज में युवक की लाश पेड़ पर लटकी हुई थी।
जयपुर पुलिस ने कल धौलपुर से बीएसपी विधायक बाबूलाल कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। उन पर 2012 के एक हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद विधायक ने आरोप लगाया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। इलाहाबाद में एक निजी अस्पताल में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपों के मुताबिक कुछ अज्ञात बदमाशों ने अस्पताल में घुसकर पहले लाखों रुपए की लूटपाट की, फिर अस्पताल के केयरटेकर की पत्नी को बंधक बनाकर गैंगरेप किया। अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। दिल्ली के विवेक विहार में शोरूम से 50 से ज्यादा एलईडी टीवी चोरी हो गई। इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। पुलिस बैरिकेड से महज 400 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई, लेकिन पुलिस वालों को भनक तक नहीं लगी। सीसीटीवी में 5 आरोपी दिखे हैं, उसी के आधार पर जांच चल रही है। यूपी में लापता बच्चों की तलाशी के लिए चलाए जा रही मुहिम के तहत कल 4 बच्चों को गाजियाबाद पुलिस ने बरामद किया। इनमें से एक बच्ची 3 साल पहले गाजियाबाद के इंदिरापुरम से गायब हुई थी। बाकी 3 बच्चे मथुरा, ग्वालियर और झांसी के हैं। पुलिस ने उनके घर वालों को खबर दे दी है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष पद को लेकर हुए विवाद में ललित मोदी अब कोर्ट का रुख करेंगे। वे कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए अमीन पठान के खिलाफ शिकायत करेंगे। 11 अक्टूबर को आरसीए ने ललित मोदी को अध्यक्ष पद से हटा दिया था। उनकी जगह अमीन पठान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था।